हेलो फ्रेंड्स, सो मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर आ गया हूँ और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फायरबोल्ट निंजा 2 की। सो हाय गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर देते हैं इस वॉच की। सो हाय गाइस, इसको खोलते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाती है हमारी वॉच और इसके नीचे इसका चार्जर है। और सबसे पहले हमारा इस वॉच को निकाल देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आ जाती है हमारी वॉच जैसे कि आप देख सकते हैं। बस इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है तो आप इसके अलग अलग वॉलपेपर चेंज कर पाएंगे। सारे टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है गाइज, आप इसके ऐप में भी जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो गाइज, आपको ये ग्रिड व्यू वाला ऑप्शन मिल जाता है गाइज इसमें, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें गाइज हम गेम्स भी खेल सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात करें इसके साथ, इसका यूज़र मैनुअल आ जाता है और काफ़ी सारे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं गाइस। और जैसे कि मैंने बताया, इसके साथ हमें एक चार्जर मिल जाता है गाइस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच की। सो गाइस, अब बात करें इसके कुछ मेन फीचर्स की। सो इसके कुछ मेन फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और अब गाइस चलते हैं इस वॉच के रिव्यू पे। सो गाइस, जब बात करें इसके रिव्यू की तो मुझे पर्सनली वॉच काफ़ी अच्छी लगी और इसकी प्राइस के हिसाब से भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमें ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है और प्लस इसका जो डायल है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइस। और इसके साथ साथ इसके बात करें तो इसके अंदर काफ़ी एक्यूरेसी है। ऑक्सीजन लेवल अगर आप चेक करें, अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करें, इसमें हार्ट बीट चेक करें, तो वो सब काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट है उसका। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप ये वॉच खरीदें अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे।